अस्सलाम वालेकुम, आज मैं बना रही हूँ शाही शीर कोरमा। शाही शीर कोरमे के लिए हमें जो इंग्रेडिएंट्स चाहिए वो है, ड्राई फ्रूट्स हैं हमारे पास, शुगर है, मिल्क है और पास्ता है। पास्ता को सबसे पहले ब्राउन करना है हमने। अब हमने मिल्क को बॉईल करना है। ये अब बॉईल हुए हुए दूध में हमने शुगर ऐड करनी है। और हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड करने हैं। इसको शीर खोरमा तैयार करने के लिए बॉईल करना है दूध को, और गाढ़ा हो जाए तब तक इसको पकाते रहेंगे। अब इस बॉईल हुए हुए मिल्क में पास्ता, ब्राउन की हुई पास्ता को ऐड करना है। इस पास्ता को अब 5 मिनट तक पकाना है ताकि ये गाढ़ी हो जाए। दूध गाढ़ा हो गया है, अब इसका कलर भी चेंज हो गया है। शीर खोरमा तैयार है अब।